चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये गाना आपने हर धार्मिक मौके पर सुना होगा, लेकिन अब इस गाने के पीछे की आवाज सदा के लिए खामोश हो गई। कई प्रसिद्ध गाने और भजन को अपनी आवाज देने वाले नरेंद्र चंचल ने 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल ने 22 जनवरी को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दोपहर के 12:15 पर आखिरी सांस ली। नरेंद्र चंचल बचपन से ही अपनी माँ से माता रानी के भजन सुनते रहे थे। माँ के भजनों को सुनकर उनमें भी भजन गाने की रुचि जागी। नरेंद्र चंचल ने अपनी माँ से ही पहली संगीत की शिक्षा ली। उनसे जुड़े लोगों का कहना है कि जलंधर के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्रीदेवी तालाब मंदिर में उनका काफी आना जाना रहता था। माँ के प्रति उनमें अपार श्रद्धा थी। चंचल के करीबी लोगों का कहना है कि चंचल मानते थे कि श्रीदेवी तालाब मंदिर में जागरण करने के बाद ही उनका करियर बुलंदियों तक पहुंचा था, इसलिए वो माँ के दर्शन के लिए अक्सर आया करते थे। पंजाब के अमृतसर में पैदा हुए नरेंद्र चंचल अपने पैतृक गांव से भी काफी लगाव रखते थे। भजन सम्राट के नाम से जाने जाने वाले नरेंद्र चंचल केवल भजन तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि शायद ही लोग इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए। 1973 में उन्होंने बॉबी फिल्म में एक गाना गाया। फिल्म बॉबी का बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो नाम के इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया। उसके बाद उन्होंने फिल्म बेनाम में भी बेनाम हो गया नाम का एक गाना गाया। इस गाने को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस गाने के बाद नरेंद्र चंचल का नाम बॉलीवुड में छा गया। कुछ समय पहले ही नरेंद्र चंचल ने कोरोना पर भी एक गाना गाया था जो काफी वायरल हुआ था। भले ही आज नरेंद्र चंचल हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज सदियों तक यूं ही अमर रहेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।